नमस्कार, एमके न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपशिखा। बुलेटिन की शुरुआत खबरों से। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 17,000 से अधिक नए केस मिले हैं। वहीं कोरोना के 29 मरीजों की मौत भी हुई है। फिलहाल देश में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 1,00,000 के पार हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोरोना के 17,092 नए केस मिले हैं, जो कल की तुलना में 0.1% अधिक है। वहीं देश के 5 राज्यों में सबसे ज्यादा केस सामने आए हैं। इन राज्यों में केरल पहले नंबर पर है, इसके बाद महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक का नंबर आता है। कुल नए केसों में इन 5 राज्यों की हिस्सेदारी 72.25% है। नए केसों में से 22.84% सिर्फ केरल से सामने आए हैं। वहीं देश में अब तक कोविड की वजह से 5,00,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। भारत का रिकवरी रेट अब 98.54% है। वहीं पिछले 24 घंटों की बात करें तो कुल 14,684 मरीज ठीक हुए हैं, जिससे देश भर में कुल ठीक होने वालों की संख्या 4,28,51,590 हो गई है। स्पाइस जेट के विमान में धुआं भरने के बाद शनिवार सुबह दिल्ली में इसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। स्पाइस जेट की दिल्ली जबलपुर फ्लाइट के कैबिन में जिस समय धुआं दिखा, तब प्लेन 5,000 फीट की ऊंचाई पर था। धुआं भरते ही पैसेंजर्स में अफरा तफरी मच गई और विमान को वापस दिल्ली एयरपोर्ट पर उतारने का फैसला किया गया। इसके बाद उसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। वहीं स्पाइस जेट के इस प्लेन ने दिल्ली एयरपोर्ट से सुबह 6:15 पर उड़ान भरी थी। टेक ऑफ के कुछ देर बाद ही प्लेन के कैबिन में धुआं भरना शुरू हो गया था। उस समय प्लेन क्लाइंबिंग स्टेज में था, यानी लगातार ऊंचाई की तरफ जा रहा था। धुआं दिखने के बाद यात्री घबरा गए, उनमें चीख पुकार मच गई। वहीं इमरजेंसी लैंडिंग के बाद में विमान को खाली कराया गया। सभी यात्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश चुनाव में जीत हासिल करने के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने कमर कस ली है। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद बीजेपी के प्रत्याशियों के लिए प्रचार कर रहे हैं, जहां उन्होंने छिंदवाड़ा में बीजेपी उम्मीदवार के लिए रोड शो किया। इस दौरान लोगों ने सीएम के स्वागत के लिए अपने घर की छत से फूल बरसाए। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल ने भगवान जगन्नाथ के दर्शन किए और प्रदेश की खुशहाली की कामना की। दरअसल लाखों लोगों को दर्शन करने का मौका मिला है। आपको बता दें कि ये बहुत ही ऐतिहासिक दिन होता है, इसमें लोगों को आपस में जुड़ने का मौका मिलता है। ये रथ यात्रा 9 तारीख को वापस आएगी और भगवान बहुमुखी वापस विराजमान हो जाएंगे। इसके साथ ही राज्यपाल ने सभी को बधाई देते हुए आशीर्वाद लिया। भगवान जगन्नाथ जी से इस प्रदेश और देश के लिए, उनके कल्याण के लिए और इस छत्तीसगढ़ के प्रदेश के विकास के लिए मैं आशीर्वाद मैंने मांगा है कि ये छत्तीसगढ़ और यहाँ के लोगों का कल्याण हो और ये प्रगति के पथ पर और आगे बढ़े। आप सब लोगों को इस पावन पर्व पर मैं बहुत बहुत शुभकामना और बधाई देती हूँ। जगन्नाथ यात्रा है, आषाढ़ कृष्ण शुक्ल पक्ष द्वितीया को रथ यात्रा होता है। ये रथ यात्रा का महापर्व 1 तारीख से 9 तारीख तक चलेगा। 9 तारीख को भगवान बाहुड़ा रथ में वापस आएंगे, अपने सिंहासन में विराजमान करेंगे। दतिया जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के क्रम में भांडेर ब्लॉक में बंडोखर के उप स्वास्थ्य केंद्र में एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की। वहीं डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने एम्बुलेंस को माला पहना के शुरुआत की। साथ ही गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि आशा करता हूं कि इस सुविधा के शुरू होने से मरीजों को काफी राहत मिलेगी।
यूपीए से राष्ट्रपति कैंडिडेट यशवंत सिन्हा रायपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पत्रकार वार्ता की और सीएम भूपेश बघेल का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि हम एक अभियान चला रहे हैं, इस अभियान की शुरुआत केरल से हुई है। इसके साथ ही कहा कि छत्तीसगढ़ से मेरा बहुत गहरा नाता है क्योंकि 60 साल पहले मेरी शादी भिलाई में हुई थी। यशवंत सिन्हा ने केंद्र सरकार पर निशाना भी साधा और कहा कि राष्ट्रपति चुनाव की एक डिग्निटी होती है, अच्छा तो ये होता है कि ये चुनाव होता ही नहीं बल्कि सर्वसम्मति से ये पक्ष विपक्ष में एक राय होता। कल चेन्नई में कार्यक्रम हुआ, वहां पर भी डीएमके के साथी मुख्यमंत्री स्टालिन जी और उनके अनेक सहयोगी दलों ने वहां पर अपने सहयोग का आश्वासन हमें दिया। आज मैं आपके बीच में हूँ और छत्तीसगढ़ से जैसा अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, मेरा बड़ा विशेष एक संबंध है। छत्तीसगढ़ में स्वच्छ वातावरण और वृक्षारोपण के प्रति लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए वन और जलवायु परिवर्तन पौधा तुहर द्वार कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसका शुभारंभ दंतेवाड़ा विधायक की देवती कर्मा ने किया। उन्होंने इसका शुभारंभ करते हुए जिला और वन विभाग कार्यालय में पौधों से भरे दो हरियाली प्रसार वाहनों को हरी झंडी दिखाई। वहीं वन विभाग ने विशेष पहल करते हुए पौधा तुहर द्वार योजना के तहत मंगाए गए पौधे को घर तक पहुँचाया जाएगा। ये जो पौधा तुहर द्वार कार्यक्रम इस सरकार द्वारा हमारे पूरे स्टेट में 1 जुलाई को अपने हर वन मंडल में शुरू कर रहे हैं। मध्य प्रदेश त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का मतदान शुक्रवार को संपन्न हुआ। इस दौरान इछावर और नसरुल्लागंज जनपद में 79% मतदान हुआ। वहीं मतदान में 104 साल से लेकर पहली बार मतदान कर रहे 18 साल के मतदाता शामिल हुए। बात करें आंकड़ों की तो बता दें कि इछावर जनपद की 77 ग्राम पंचायत और नसरुल्लागंज की 101 जनपद पर मतदान सम्पन्न हुआ। मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का मतदान भानपुरा और सीतामऊ में भी शांतिपूर्ण तरीके से किया गया। बताने कि भानपुरा और सीतामऊ जनपद के 27,156 मतदाताओं ने अपने मत का उपयोग किया, जिसमें कुल 44 पंचायतों में पंच, सरपंच, जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य चुने जाएंगे। वहीं शांतिपूर्ण तरीके से हुए मतदान को लेकर प्रशासन ने खुशी जताई। सिक्योरिटी एसपी साहब और उनकी पूरी टीम तो लगी हुई है, हमने इंटर स्टेट जो है इंटर डिस्ट्रिक्ट मीटिंग भी कर ली और हमारा उनके साथ तालमेल भी है, लेकिन आप देखोगे कि उनकी तरफ से भी पूरा सहयोग है क्योंकि स्थानीय निर्वाचन चरण का चुनाव आज जिले के दो विकास खंडों सीतामऊ और मानपुरा में संपन्न हो रहा है। तो मैं सुबह से ही यहाँ पर भ्रमण कर रहा हूँ सीतामऊ में, सभी मतदान केंद्रों में चुनाव जो है शांतिपूर्वक और सही तरीके। वैसे तो मंदसौर जिले की राशि है नहीं बूथ कैप्चरिंग की, बट फिर भी हम सारी संभावना के लिए तैयार रहते हैं। जितने भी हमारे अंतर्राज्यीय नाके हैं जहाँ पे बॉर्डर लगे, सब जगहों पे व्यवस्था लगाई हुई है और जो जो ऐसे गांव थे जहाँ पे संभावित हम लोगों ने ऐसे गाँव एक तो क्रिटिकल मतदान केंद्र के द्वारा छांटे जाते। मध्य प्रदेश त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का मतदान शुक्रवार को संपन्न हो गया, जहां ग्राम पंचायत मजना, मवई और मोमोन के मतदान केंद्रों पर सुबह से ही मतदाताओं की भीड़ लगी रही। वहीं मतदान के दौरान किसी प्रकार की गड़बड़ी ना हो, इसके लिए प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए थे। अब खबर उत्तर प्रदेश के आगरा से है, जहां गांव के प्रधान पर तालाब से मिट्टी चुराकर बेचने का आरोप लगाया है। पूरा मामला खैरागढ़ विकास खंड के गांव पहाड़ी कला का है, जहां आरोप है कि गांव प्रधान तालाब की मिट्टी को बेचकर खुद की जेब भर रहा है, जिसकी शिकायत खैरागढ़ उप जिला अधिकारी और उच्च अधिकारी से की गई है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। गलत तरीके से तालाब को खोदा जा रहा है और दूसरी बात यह है कि बिना पंजीकृत के कागज में कहीं भी पंजीकृत नहीं है उस तालाब की जगह, और पश्चर की भूमि है वो, गाटा नंबर 227
मैं वो तालाब को खोदा जा रहा है जिससे ग्राम वालों को परेशानी हो रही है। रायपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली, जहां आपको बता दें कि पुलिस ने पुरानी बस्ती के अलग अलग मकानों में चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले शातिर चोर नरेश साहू को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी दुर्गेश ओपेरा का रहने वाला है और क्षेत्र में आरोपी ने 3 दर्जन से अधिक चोरी की घटना को अंजाम दिया है। आरोपी के पास से चोरी के सोने चांदी साथ ही मोबाइल फोन बरामद हुआ है, जिसकी कीमत 1,80,000 रुपए बताई जा रही है। वहीं पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध पुरानी बस्ती थाने में धारा मामला दर्ज कर लिया है। थाना पुरानी बस्ती में मार्च माह में चोरी हुआ था, जिसमें अनिता ध्रुव के यहां से और रवि पेदुरवार जी के यहां से प्राथमिक 2 जगह से चोरी हुआ था, जिसमें एक संदेही था नरेश उर्फ चांदी, जिसको लाके पूछताछ किए और इसमें हमारे क्राइम स्क्वाड की अहम भूमिका रही। अलीगढ़ के गांव चिलकोरा से हत्या का मामला सामने आया है, जहां अपने ही घर में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का शव कमरे में पड़ा मिला। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच पड़ताल में जुट गई है। वहीं जानकारी देते हुए मृतक के भाई अजय ने बताया कि रोजाना की तरह हरकेश खाना खाने के बाद सोने गया था। देर रात सुबह जब नहीं उठा तो कमरे में जाकर देखा तो मृत अवस्था में पड़ा मिला। वहीं फिलहाल पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सब लोग सो गए तो इसने अंदर ताला लगा लिया, अब उसके बाद में सब लोग सो गए तो फिर पता नहीं इसने क्या करा क्या नहीं करा, ना कोई लड़ाई है ना कोई झगड़ा, कोई बात नहीं। सुबह सूचना प्राप्त हुई थी थाना क्षेत्र के चिलकोरा गांव में एक व्यक्ति जो है अपने कमरे के अंदर फांसी लगाया हुआ है, कमरा अंदर से बंद था। पुलिस टीम द्वारा तथा फोरेंसिक टीम द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया, फोरेंसिक टीम द्वारा ही जाकर वहाँ पे कमरा खुलवाकर अंदर से तोड़कर और बॉडी नीचे उतारा गया था। उसमें जो भौतिक साक्ष्य हैं और जो अन्य साक्ष्य हैं उसे इकट्ठा किया गया है। कोरबा सांसद ज्योत्सना महंत रायपुर पहुंची, यहां वो रथ यात्रा के अवसर पर राजधानी में स्थित जगन्नाथ मंदिर के दर्शन करने के लिए आई हुई थी। इस दौरान सांसद ने रायपुर न्यूज की संवाददाता चित्रा पटेल ने खास बातचीत की और प्रदेश की सुख शांति की बात कही। हमारे पास मौजूद थे कोरबा सांसद ज्योत्सना महंत। मैम, आज आप जगन्नाथ यात्रा में पहुंचे हुए हैं, क्या जनता के लिए क्या खास संदेश देंगे? अभी क्यों ले रहे हैं, जनता से ये कहेंगे सब प्रेम भाव से रहें, जो हमको संदेश दिया है कृष्ण भगवान ने, सबको मिलके रहना चाहिए, अपने देश के लिए जिए, देश के लिए मरे। ये थे कोरबा सांसद जो सना मन। आज इन्होंने छत्तीसगढ़ वासियों को रथ यात्रा की बधाई दिया, दर्शन करने के लिए गायत्री नगर रायपुर में स्थित है जगन्नाथ मंदिर, वहाँ पे दर्शन करने के लिए है और छत्तीसगढ़ वासियों के लिए सुख और समृद्धि की के लिए वो पूजा अर्चना करेंगे। कैमरामैन अर्जुन के साथ मैं चित्रा पटेल, MK न्यूज रायपुर। राजधानी रायपुर में ज्यादातर लोग इन दिनों एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए गूगल मैप की सहायता ले रहे हैं, जिसको लेकर रायपुर के यातायात DSP सतीश ठाकुर सहित यातायात टीम हैदराबाद गई, जिसकी जानकारी देते हुए सतीश ठाकुर ने बताया कि हाल ही में ट्रैफिक पुलिस दिल्ली और हैदराबाद गई थी, जहां देखा गया कि वहां की पुलिस गूगल के माध्यम से ट्रैफिक नियंत्रण करती है। उसी प्रकार राजधानी रायपुर में भी पुलिस ट्रैफिक होने पर संबंधित ट्रैफिक थाना मौके पर उपस्थित होकर ट्रैफिक करवाएंगे। अधिक विगत कुछ दिनों पहले हम लोग ने दिल्ली का और हैदराबाद का भ्रमण किए थे, वहाँ पे देखने को ये मिला कि जहाँ पे जाम स्थिति निर्मित होती है वहाँ पे गूगल के माध्यम से मॉनिटरिंग किया जाता है कि वहाँ पे गूगल दिखाता है कि रेड कलर से कि जाम की स्थिति है, जहाँ पे जाम नहीं है वहाँ ग्रीन कलर से, तो वो व्यवस्था हम लोग किए हैं। बेमेतरा में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली गई। ये रथ यात्रा जगन्नाथ उत्सव समिति की तरफ से निकाली गई। वहीं पिछले 2 सालों से कोरोना की वजह से रथ यात्रा नहीं निकल पाई थी, लेकिन इस बार रथ यात्रा को लेकर लोगों में उत्साह देखने को मिला है। बता दें कि इस रथ यात्रा में बेमेतरा के विधायक आशीष छापड़ा,
सहित अन्य लोग शामिल हुए। इस दौरान रायगढ़, चंपारण और बिरला के कलाकार के साथ स्थानीय कलाकारों ने राउत नाचा के साथ अन्य वाद्य यंत्रों का प्रदर्शन किया। इस मौके पर सीएम भूपेश बघेल राजधानी के जगन्नाथ मंदिर पहुंचे और भगवान जगन्नाथ के दर्शन कर हवन पूजन किया। साथ ही पत्रकारों से चर्चा करते हुए छत्तीसगढ़ वासियों को भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा की बधाई दी। बेमेतरा में जिले की विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। बता दें कि ये आयोजन विश्व चिकित्सक दिवस के मौके पर किया गया था, जिसमें बेमेतरा जिला न्यायालय के जजों के साथ साथ वकील के अलावा अन्य लोगों ने भी रक्तदान शिविर में भाग लिया और रक्तदान किया। इस दौरान लगभग कई लोगों ने रक्तदान किया, साथ ही लोग रक्तदान करने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ने कहा कि विश्व चिकित्सक दिवस के अवसर पर डॉक्टरों के लिए ये रक्तदान ही उपहार है, इसीलिए रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। आज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बेमेतरा की ओर से ये जो रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, 1 जुलाई 2022 वर्ल्ड डॉक्टर्स डे भी है, इसके अलावा भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा भी है। इस पावन उपलक्ष में दोनों चीजें एक साथ हुई, इस पावन उपलक्ष में रक्तदान शिविर का आयोजन यहां पर जो किया गया है। राजधानी रायपुर की सड़कों पर हमेशा जाम लगा रहता है, इसकी बड़ी वजह नो पार्किंग में खड़ी गाड़ियां हैं। इसके अलावा सड़कों पर भी गाड़ियों को पार्क कर दिया जाता है, जिससे रायपुर में कई बार ट्रैफिक जाम और हादसे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। लेकिन अब रायपुर की यातायात पुलिस ने ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर करने और नियमों का उल्लंघन करने वालों के लिए एक नया उपाय ढूंढ निकाला है। रायपुर यातायात पुलिस ने अपना एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया, यदि कोई ट्रैफिक सिग्नल तोड़े या कोई नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी करता है तो आम पब्लिक उसकी फोटो खींचकर ट्रैफिक पुलिस को व्हाट्सएप कर सकता है। फोटो पहुंचते ही यातायात पुलिस नो पार्किंग में खड़े वाहन चालक के पते पर ई चालान भेजेगी। इसके लिए हम लोगों ने पूर्व में भी हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है 9479191234, इस व्हाट्सएप में जो फोटो है और समय स्थान और जगह का लोकेशन वो भेज के यदि भेजते हैं तो हम उसका ई चालान बना देंगे। इसके अभी तक हम लोगों ने 100 से अधिक जो नो पार्किंग में गाड़ियां खड़ी होती है, जो सोशल मीडिया से शिकायत लगातार प्राप्त होती है, चाहे फेसबुक के है, व्हाट्सएप है, हमारा ट्विटर है, उसमें शिकायत प्राप्त होती है, तो उसमें हम लोगों ने अभी तक चालान बनाया। उत्तर प्रदेश में सरकार लगातार उद्यमियों को रोजगार देने के लिए नई नई योजनाओं की शुरुआत कर रही है, जिससे हर परिवार में एक स्वयं रोजगार दे सकें। इसके लिए कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत की, जिसे लेकर संवाददाता राजकिशोर वर्मा ने कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद से बात करके इस योजना के बारे में जानकारी दी। उसके बाद वहाँ किस तरीके से लाभ मिलेगा और इस मछली पालन के क्षेत्र में क्यों आए, कैसे आगे बढ़े, इसके मतलब हमारे 20 पैसे की जीरा लाल ने दरवाजे पर एक टैंक लगा के तो वो 100 दिन में एक फिंगर लिस्ट हो जाते, एक दो दिन वो 2 रुपए के आसपास हो जाते। तो ये कहते हैं ना कि कमल जो है लक्ष्मी जी कमल पर खड़ी है, कमल पानी में है, इसका मतलब धन जो है वो पानी में है, तो पानी से धन कमा सकते। दिल्ली में केंद्रीय सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक बैन कर दिया है। वहीं सिंगल यूज प्लास्टिक यानी प्लास्टिक से बनी ऐसी चीजें जिसका हम सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल करते हैं, इस पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया जा रहा है। बता दें कि यदि बैन किए गए प्रोडक्ट को आप बनाने और बेचते हैं तो 7 साल की जेल और 1 लाख तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। ग्वालियर के महापौर के चुनाव में आम आदमी पार्टी अपने महापौर प्रत्याशी को विजयी बनाने में कोई कसर बाकी नहीं रख रही है। बताया जाता है कि महापौर के चुनाव में प्रत्याशी अपने ही दम पर हुंकार भर रही हैं। उनके जनसंपर्क में पार्टी का कोई भी पद अधिकारी सहयोग नहीं कर रहा है। बता दें कि चुनाव के कुछ ही दिन बचे हैं और अभी तक कोई स्टार प्रचारक ने आम सभा नहीं की, जबकि दूसरी ओर प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ग्वालियर में आम सभा कर चुके हैं। वहीं जब ग्वालियर संवाददाता योगेश बिसारिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी मुकेश गोयल से सवाल किए तो उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए।
भारतीय जनता पार्टी से आए हैं या कांग्रेस से आए हैं, दूसरे दलों से आ रहे हैं, पार्टी का विस्तार कर रहे हो रहा है, तो पार्टी का विस्तार तो राजनीतिक लोगों से ही होगा ना। जो भ्रष्टाचारी लोग होंगे उन्हें दूर कराया जाएगा, और जो स्वच्छ छवि के लोग होंगे जो और वो केजरीवाल जी की नीतियों में विश्वास रखते हैं, केजरीवाल जी के काम से खुश है, वो अपनी पार्टी छोड़ के हमारी पार्टी में आना चाहते हैं, तो क्या परेशानी है। ग्वालियर में गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने अखिल भारतीय अग्रवाल महिला की मध्यांचल इकाई के कार्यक्रम में शामिल हुए, साथ ही उन्होंने भाजपा की महापौर प्रत्याशी सुमन शर्मा के समर्थन की अपील की। साथ ही चुनाव में कमल का बटन दबता है तो संदेश पूरे देश में जाता है के नारे भी लगाए गए। वहीं नरोत्तम मिश्रा ने अपील करते हुए कहा कि पहली बार देश में ऐसा नेता है जो आंख में आंख डाल के बात करता है। आज आपके बीच में प्रार्थना इसीलिए लेके आया कि कल जी आपके सामने इसीलिए लगाने आया कि ये कमल का बोर्ड इसको अकेले ग्वालियर का चुनाव मत मान। ये कमल के बटन के संदेश जाते हैं पूरे देश के अंदर जब चुनाव होते हैं, चारों तरफ भारतीय जनता आपके प्रेम, भारतीय जनता पार्टी आपके प्रेम और स्नेह से बढ़ रही है। यूक्रेन और रूस युद्ध का असर भारत में भी देखने को मिल रहा है, जिससे किसानों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के अनेकों जिलों के साथ अब कटनी में भी डीजल और पेट्रोल की कटौती देखने को मिल रही है, जिसके कारण किसानों को मोटर पंप चलाने के लिए डीजल नहीं मिल पा रहा। इससे किसानों की खेती प्रभावित हो रही है, साथ ही पर्याप्त मात्रा में डीजल न मिलने से किसानों में मायूसी है। इसको लेकर पेट्रोल पंप संचालकों का कहना है कि बुकिंग करने के बाद भी गाड़ियां नहीं आ पा रही हैं। इतना ही नहीं, एडवांस पेमेंट देने के बावजूद भी कम मात्रा में पेट्रोल मिल रहा है। जो रसिया और यूक्रेन का अभी युद्ध चल रहा है, ऐसा लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि लगभग 15 दिन से एक महीने में ख़त्म हो जाएगा। इस कारण से जितना रिजर्व इंडिया गवर्नमेंट के पास था वो होल्ड की हुई थी, लेकिन वॉर जब बढ़ा तो धीरे धीरे हमको आपूर्ति वहाँ से बंद हो गई, तो जो इंडिया गवर्नमेंट का भी हमारा रिजर्व था रिफाइनरीज में, दो तीन दिन से सिर्फ एक दिन में 5 लीटर देते थे ग्राम कार्यालय में, और आज से मतलब टोटल बंद कर दिए, मतलब डीजल है ही नहीं है। लगभग 2 महीने से चल रहा है ये, और हमने इस महीने में अभी 1 तारीख को इंडेंट लगाया था तो 14 तारीख को माल मिला हमको, 13 दिन हमारा वो पंप ड्राई था, वो 3 दिन चला, 12 केयर का माल मिला, 20 केयर का लगाने पे 12 केयर का मिला। दुर्ग जिले में उमरपोटी गांव में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी और दोनों बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। बता दें कि किसी विवाद के चलते युवक ने पहले अपनी पत्नी का गला घोटा, फिर अपने ही दोनों बच्चों की हत्या कर दी, जिसके बाद युवक ने मौके पर पाकर खुदकुशी कर ली। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की विवेचना में लग गई। आपको बता दें कि अभी मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। वहीं अब तक इस मामले में पारिवारिक कलह का मामला सामने आ रहा है। भोजराम साहू, उम्र 30 वर्ष, वो अपनी पत्नी और दो बच्चों का गला घोट करके हत्या कर दिया है और स्वयं दरवाज़ा बंद करके आत्महत्या कर लिया है। इसकी सूचना मिलती सूचना पर थाना उत्तर की पुलिस मौके पर पहुंचकर मर कायम कर जांच कार्रवाई की जा रही है। बुलंदशहर में लोगों से धोखाधड़ी करने वाले दो आरोपियों पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि अशोक नाम के दो व्यक्ति लोगों को पैसा दोगुना करने का लालच देते थे और फिर पैसा हड़प लेते थे। आरोपियों के खिलाफ अलग अलग थाने में कई मामले भी दर्ज हैं, जिसको देखते हुए प्रशासन और पुलिस की टीम ने आरोपी की संपत्ति जब्तीकरण की कार्रवाई की, साथ ही जिला स्तर पर आरोपियों को अपराधी माफिया घोषित कर दिया। इस पूरी कार्रवाई के दौरान SDM और अन्य पुलिस बल मौजूद रहा। ये अपराधियों के विरुद्ध शासन के निर्देशानुसार कार्रवाई की जा रही है। उसी क्रम में स्याना थाना अंतर्गत माफिया में चिन्हित और टॉप 10 में चिन्हित अशोक नामक दो व्यक्ति, जो उसी दोनों का नाम अशोक है, एक बहादुर थाना जिला हापुड़ का रहने वाला है, दूसरा नरसिंहा थाना जिला बुलंदशहर का रहने वाला है। इनके विरुद्ध गंगस्टर चमुदाय की कार्रवाई जिलाधिकारी महोदय के आदेश पर संपादित की गई।
अब बात मुंबई पीडब्ल्यूडी विभाग के घोटालों की है, जहां कुछ भ्रष्ट सरकारी अधिकारी ही सरकार और आम जनता को नुकसान पहुंचाते हैं। फिर चाहे वो सरकारी विभाग हो या फिर गैर सरकारी, हर विभाग को बड़ी बड़ी जिम्मेदारी से बांध दिया जाता है, लेकिन कुछ सरकारी नुमाइंदे करोड़ों के घोटालों के नीचे इतना दबे हुए हैं कि उनको विकास और जिम्मेदारी का भार उठाना भी मुश्किल पड़ता है। या साफ शब्दों में कहें तो सरकार के कुछ भ्रष्ट नुमाइंदे ही सरकार और जनता के लिए आस्तीन का सांप बनकर बैठे हैं। अब ऐसे में लाजमी है कि जनता की परेशानी सुनने वाला कोई नहीं है। देखिए रिपोर्ट। पीडब्ल्यूडी विभाग में घोटालों का बोलबाला, महाराष्ट्र के मुंबई में पीडब्ल्यूडी का बड़ा घोटाला, पैसे खिलाने वाले सरदार और ईमानदार कर्जदार, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर या डिप्टी इंजीनियर जिम्मेदार, क्या काले का नामों के जिम्मेदार नांद्रेकर साहब, आखिर कौन है करोड़ों के घोटाले का जिम्मेदार, आखिर कब रुकेगा भ्रष्टाचार? जनता कर रही जांच की मांग। आखिर क्यों सरकारी नियमों को तोड़कर टेंडर दिया गया? बिना काम किए बिल क्यों दिए गए? ठेकेदार और भ्रष्ट अधिकारियों की सांठ गांठ, पैसे लेकर टेंडर देने का आरोप। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मुंबई में पीडब्ल्यूडी विभाग में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर चंद्रकांत नाइक और डिप्टी इंजीनियर नांद्रेकर कार्यरत हैं। प्रेसिडेंसी डिवीजन को राज्य सरकार की संपत्तियों की मरम्मत और रखरखाव के लिए अनुदान देती है और इसी अनुदान से ही ये काम होते हैं। सरकारी पैसे का खूब दुरुपयोग किया जा रहा है, काम न करते हुए भी बिल अदा किए जा रहे हैं और इसी निधि का गबन किए जाने का आरोप एग्जीक्यूटिव इंजीनियर चंद्रकांत नाइक और डिप्टी इंजीनियर नांद्रेकर पर लगाया जा रहा है। बता दें कि 2 साल पहले भी कार्यकारी अभियंता स्वामीदास चौबे द्वारा गड़बड़ी पाई गई थी। आखिर इन सब अवैध कामों को बढ़ावा किसके संरक्षण में दिया जाता है? तो इन घोटालों की आईआईटी मुंबई द्वारा जांच की जाने की मांग की जा रही है और आम जनता द्वारा मास्टरमाइंड कहे जाने वाले नांद्रेकर और संबंधित अधिकारियों के फोन रिकॉर्ड्स, संपत्ति और बैंक लेनदेन की जांच करने की मांग आम जनता द्वारा की जा रही है। वहीं छोटे ठेकेदारों और आम जनता का कहना है कि जांच के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। फिलहाल देखने वाली बात यह है कि इन घोटालेबाजों पर कार्रवाई कब तक होती है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एमके न्यूज़। नमस्कार।